subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अभी देखेंगे तो एक मार्केट में जैसा चल रहा है, शेयर में जो है ज्यादातर शेयर्स आप देखेंगे तो गिरावट ही बनता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर शेयर्स में जो आपको एक डाउनफॉल बनता हुआ दिख रहा है, और अभी भी अगर देखेंगे तो शायद से और भी बहुत सारे शेयर्स है जिसमें एक हम लोग को गिरावट बनता हुआ दिख सकता है। तो वही अगर देखेंगे तो अभी कौन से शेयर्स जो है आपको ठीक रहेगा, फिर कौन से शेयर्स में आपको खरीदारी करना है। तो देखिए, कोई भी शेयर्स अगर आप लेते हैं अभी मार्केट में जैसा चल रहा है, तो कोई भी शेयर्स अगर आप लेते तो अच्छी तरह से उसके बारे में जो हमारा ओवरव्यू है उसके बारे में जो उसका आप रिसर्च कर लीजिए। जो कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी का बिजनेस क्या है, उसमें चल क्या रहा है, और अगर वो शेयर आप थोड़ा समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है क्या। तो वो सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही जो है आपको अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल अगर देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल जो है लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस अगर देखेंगे दोस्तों, इसके पहले जब 60-65 रुपए के आसपास चल रहा था तभी से हम लोगों ने इसको खरीदने के लिए आपको जो है यहाँ पे जो है बोल सकते हैं वीडियो बनाया था। और ऐसे भी हम लोग बहुत सारे वीडियोज में जो है हम लोग टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं कोई भी स्टॉक का जो है, और रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हम लोग टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं वो सिर्फ एक हम लोग का जो ओवरव्यू है वो रहता है। जब भी आपको शेयर खरीदते या बेचते तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो अभी आप एबी कैपिटल का देखेंगे तो दोस्तों आदित्य बिरला का जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी है उसको देखता है एबी कैपिटल। तो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो है एबी कैपिटल के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या फिर आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देख रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक साल से स्टॉक का प्राइस जो है आदित्य बिरला कैपिटल का, तो बहुत जबरदस्त जो यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं एक साल के अंदर कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे अगर देख 134 उसके बाद स्टॉक में जो है एक ज्यादा गिरावट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल जाता जब स्टॉक का प्राइस 125 के पास पहुंचा था। वही अगर देखेंगे थ्री मंथ्स के अंदर देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के नीचे पहुंच गया था लगभग 97। उसके बाद एक बाउंस बैक देने के बाद फिर से स्टॉक का प्राइस 96 पहुंचा। उसके बाद यहाँ पे जो है 112 तक पहुंचा था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा अगर देखेंगे तो 125 के बाद जो है थोड़ा स्टॉक में यहाँ पे मजबूती दिखाया है। वही चीज अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों वन मंथ से स्टॉक में क्या चल रहा है, तो वन मंथ के अंदर अगर देखेंगे तो 105 रुपए का ये स्टॉक जो है पहुंच गया था 105 रुपए के आसपास। उसके बाद स्टॉक में एक बाउंस ब्रेक देखने को मिला था जो कि स्टॉक 124 रुपीज तक पहुंचा। उसके बाद स्टॉक में जो है फिर से एक गिरावट बनता हुआ हम लोग को दिखा है। फाइव डेज के अंदर ये शेयर में आप देख सकते हैं, फाइव डेज के अंदर देखते हैं तो 108 रुपीज तक स्टॉक पहुंचा। उसके बाद स्टॉक में एक तेजी हम लोग को बनता हुआ दिखा है। वही अगर देखेंगे वन डे में जो है स्टॉक में एक अच्छा खासा मजबूत हम लोग को बनता हुआ दिखा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे हम लोग बताया कि अगर कोई भी शेयर आप खरीदते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च कर लीजिए। मार्केट में अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे शेयर्स जो है अभी गिरावट दिखा रहा है। तो एबी कैपिटल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो एबी कैपिटल का जो बिजनेस मॉडल या फिर बिजनेस जो देखेंगे इन लोगों का, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ भी इन लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ईयरली एक बार देख लेते हैं एबी कैपिटल का जो सेल्स ग्रोथ है। ईयरली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का था 16,696 करोड़ का, और वो फाइनेंशियल ईयर 2021 को बढ़ के हो चुका था 19,260 करोड़ का। और वही अगर देखेंगे आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है कंपनी का, ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते 7,599.39 करोड़ से जो है वो 7,165.79 करोड़ हुआ था। ऑपरेटिंग जो है प्रॉफिट अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी जो है एक यहाँ पे एक गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है एक हम लोग को तेजी बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में जो आपको यहाँ पे तेजी बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2020 का फाइनेंशियल का था 1,279.74 करोड़, और वही अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है फाइनेंशियल 2021 का था 1,545.69 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 866 करोड़ से जो है बढ़ के हो चुका है 1,106 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ऐसा शेयर है जहाँ पे जो हमारा ओवरव्यू है शेयर को लेके, ऐसा एक शेयर है जहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करते हैं तो देखिए बहुत सारे शेयर जैसे कि हम लोग देखा कि मार्केट में गिरावट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो हर एक शेयर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, कुछ कुछ शेयर्स ऐसे भी रहते हैं अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल का थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं कि एबी कैपिटल जो है, आदित्य बिरला कैपिटल इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ऑफ
आदित्य बिरला ग्रुप। तो आदित्य बिरला ग्रुप का आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज है और बहुत सारे सब्सिडरीज है, तो वहां पे देखेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो भी फाइनेंशियल बिजनेस है सब देखता है आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक कंपनी है। इट कंटिन्यूज इट्स क्रेडिबल मेकअबर जर्नी टू ड्राइव कंसोलिडेट रिटर्न रेशियो क्लोजर टू फ्रेंचाइजीज पोटेंशियल ओवर द नेक्स्ट 3 years, द ब्रोकर इज सेड। तो अभी एबी कैपिटल का जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी देखा या फिर एबी कैपिटल में अभी जैसा चल रहा है, तो यहां से अगर आप थोड़ा समय होल्ड करेंगे यहां पे, अगर आप ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ही लगता है कि आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि एबी कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है। तो 24 दिसंबर का अगर आप देखते हैं यहाँ पे एनएससी का जो ट्रेडेड वॉल्यूम था 2431.7 करोड़ का, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो एनएससी का डिलीवरी वॉल्यूम था 853.9 का, एंड यहाँ पे जो स्टॉक के प्राइस में लगभग 1.8% के आसपास जो गिरावट बनता हुआ दिखा है, एंड डिलीवरी ऑफ एनएससी का जो शेयर्स का हुआ है वो 35.1% हुआ है। वही अगर देखते हैं 23 दिसंबर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनएससी का जो ट्रेडेड वॉल्यूम था 23 दिसंबर का तो वो था लगभग 2238.4 करोड़ का, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं एनएससी डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो था लगभग 844.9 करोड़ का, और यहाँ पे प्राइस में लगभग 1.1% के आसपास जो है स्टॉक में अप देखने को मिला था। तो वही अगर देखते आप डिलीवरी ऑफ एनएससी डिलीवरी परसेंटेज ऑफ एनएससी तो उसमें जो है लगभग 37.7% के आसपास जो यहाँ पे शेयर में डिलीवरी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 दिन का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 23 दिसंबर को हुआ था जो शेयर का डिलीवरी परसेंटेज था वो था एनएससी का 37.7% का, और नेक्स्ट डे को वो घट के हो चुका था 35.1%। उसी के साथ देखेंगे तो स्टॉक के प्राइस में भी जो एक गिरावट बनता हुआ दिखा था। तो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग एबी कैपिटल के शेयर में और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्टॉक में अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो फिलहाल जो हमारा ओवरव्यू है, अगर कोई भी अभी शेयर लेते हैं आप तो बहुत ही आपको रिसर्च करना चाहिए वो शेयर के बारे में और वो कंपनी के बारे में जो कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं। इसके अलावा देखेंगे एबी कैपिटल के बारे में, तो एबी कैपिटल एक ऐसा शेयर है दोस्तों, अगर देखते हैं आप बिरला ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा शेयर, और बिरला ग्रुप के जो भी कंपनी है उसका जो भी फाइनेंशियल सर्विसेस है वो देखता है एबी कैपिटल, और अभी जैसा चल रहा है अगर लॉन्ग टर्म के लिए फिर कुछ महीना अभी आप ये शेयर में रुक सकते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा पहले जो देखा है ग्राफ में तो वहां पे देखा हम लोगों ने स्टॉक का प्राइस जो है अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया था कुछ दिन पहले भी जो है स्टॉक का प्राइस 124 रुपीज हिट हुआ था, उसके बाद स्टॉक के में एक गिरावट बनता हुआ दिखा है। और यहाँ पे देखिए जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं उसमें स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर देखते कोई भी शेयर आप तो जैसे कि हम लोगों ने एबी कैपिटल का भी देखा, स्टॉक का प्राइस जो है 100 रुपए के नीचे भी पहुंच गया था, लगभग 96-98 रुपीज तक पहुंच गया था, उसके बाद फिर इसमें जो एक बाउंस ब्रेक देखने को मिला था और स्टॉक का प्राइस जो है फिर से 124 तक भी पहुंचा था। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ये शेयर अगर हम लोग थोड़ा समय के लिए होल्ड करते हैं तो जो हमारा ओवरव्यू है यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बनाने का मकसद ही था कि एबी कैपिटल में क्या चल रहा है, एबी कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।